आज की वीडियो में मैं आपको 426 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती है उसी तरह मैंने 426 की 2 ब्रांचेज बना ली। लेफ्ट साइड आपका हमेशा प्राइम नंबर होगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। 2 × 213 426 हुआ, लेकिन राइट साइड प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ी। 3 × 71 213 हुआ, राइट साइड आपका प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत। इसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी प्राइम नंबर ही मिलेंगे। इन प्राइम नंबर्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। 2, 3 एंड 71, ठीक है, 2, 3 एंड 71 का मल्टीप्लीकेशन करने पर 426 मिला। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है एंड 2, 3, 71 426 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे।